जैसे हम सब लोग घर में पानी से नहाते हैं, वैसे यहाँ बर्गर को मक्खन से नहलाया जाता है। तो आपको आज मैं दिखाने वाला हूँ इंडिया का सबसे ज्यादा बटरी बर्गर। जिस स्पीड से यहाँ बर्गर बनते हैं उससे डबल स्पीड से बेचे जाते हैं लोग इनके बर्गर के दीवाने। तो गाइस इसमें 450 ग्राम बटर पहले डल चुका है और अब दोबारा से 450 ग्राम बटर डाला जा रहा है और इन्हें अच्छे से इस पे सेंका जाएगा। अब इसमें इतने सारे बटर का यूज किया जा रहा है तो ऑब्वियसली ये टेस्टी तो होने ही वाला है, लेकिन इसमें कैलोरीज भी बहुत सारी होने वाली है। तो हम आ गए हैं गाजियाबाद के कभी नगर में और चलिए आपको दिखाते हैं इस सुपर बटरी बर्गर की मेकिंग। सबसे पहले बर्गर बन के पीसेस करके उन्हें ट्रे में सेट कर दिया जाता है। उसके बाद इस पर टमाटो केचप लगाई जाती है एक साइड पे। और बन के दूसरी साइड पे लगाई जाती है ग्रीन चटनी। उसके बाद इसमें पोटैटो कैप्सिकम और बीट रूट का मिक्सर करके उनका पेस्ट बना के इनको सेट किया जाता है। उसके बाद प्याज और धनिया लगाकर इसकी ड्रेसिंग की जाती है। अब इसमें टमाटो लगाया जा रहा है, सभी बर्गर्स में एक एक पीस आएगा। टमाटर लग चुके हैं, अब इसके बाद सभी पे एक एक पीस पनीर का भी आएगा। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसके ऊपर इसका पोर्शन लगा के बर्गर को बंद कर दिया जाएगा और फाइनल पार्ट के लिए इन्हें बाहर लेके आया जाएगा। अब ये तवे पर सेट किए जाएंगे एक एक करके सेकने के लिए और उसके बाद इनकी बहुत अच्छे से सिकाई होने वाली है। बर्गर तवे पे सेट हो चुके हैं और अब इसमें बारी आती है मक्खन डलने की। तो आप काउंट करते रहिएगा 1, 2, 3, 4 और ये आधी टिक्की और। इसमें 450 ग्राम बटर इसमें डाल दिया गया है। बहुत अच्छे से इन्हें बटर के साथ सेका जा रहा है और आप देख सकते हैं कि कितने सारे बर्गर्स की मेकिंग एक साथ उठी जा रही है। जैसे ये बना रहे हैं इनके बिकते भी इसी स्पीड से हैं, कस्टमर्स की लाइन नहीं टूटती है और बहुत ज़्यादा पसंद करे जाते हैं कस्टमर्स के द्वारा इनके बर्गर। और अगर आपको लग रहा है कि ये बर्गर बनके तैयार हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी आप देखते रहें इसमें साथ और क्या क्या होने वाला है। आप बर्गर का कलर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ एक ही तरफ से हुए हैं। अब आप दोबारा देख सकते हैं 3, 4 और फिर से 450 ग्राम इसमें बटर दोबारा से डाल दिया गया है और इन्हें बहुत अच्छे से नीचे की साइड से सेका जाएगा। आप देख सकते हैं कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं ये।
गया है। लगभग आधे घंटे की मेहनत के बाद हमें बर्गर मिला है। आप देख सकते हैं बर्गर में काफ़ी अच्छे से स्टफिंग हो रखी है। जो पैटी है इसकी वो एक मसाले की है और इसमें पनीर है, टमाटर है और चीज़ आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। टेस्टी तो ये होने ही वाला है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इसमें इतना सारा मक्खन है, लेकिन कैलोरीज भी इसमें बहुत सारी होने वाली हैं। तो आप खा के इसे टेस्ट करते हैं। टेस्ट बहुत अच्छा है। जो इसका मसाला है ना पैटी वाला, उसका बिल्कुल यूनिक टेस्ट है। बिल्कुल मतलब माइल्ड सा स्पाइसी भी कह सकते हो आप उसे, पर कोई भी खा सकता है और बहुत बढ़िया टेस्ट है, पर कैलोरीज बहुत ज़्यादा है। और इसकी चीज़ वाले की कॉस्ट 50 रुपये है, अगर बिना चीज़ के आप लोगे तो वो 40 रुपये कॉस्ट है, और अगर इसी में आप डबल चीज़ वाला लोगे तो उसकी कॉस्ट 60 रुपये है। और वर्थ है, आपको पैसे खर्च करके ऐसा नहीं लगेगा कि वेस्ट है। आपको ऐसा बर्गर 100 रुपये में भी नहीं मिलेगा क्योंकि मक्खन आप देख सकते हो भर भर के डाला है। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में आपको किसी और चीज़ की तलाश में। गुड बाय।